हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अदनान। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे अपने कंप्यूटर में व्हाट्सएप स्टेटस बना सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों के कंप्यूटर में फिल्मोरा एक सॉफ्टवेयर है, वो इंस्टॉल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर साइज़ है, आप लोग जो भी साइज़ देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करें और फुल फीचर मोड पर क्लिक करके आपके सामने कुछ इस तरह शो हो जाएगा। जो भी स्टेटस बनाना है यानी ग्रीन स्क्रीन का, तो आप लोगों ने वो यहाँ से इंपोर्ट करना है, जिस पिक्चर पे लगाना है, अप्लाई करना है। तो मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है, तो मैं इसे यहाँ से टाइमलाइन पे ड्रा कर लेता हूँ। ड्रा करने के बाद इसे ग्रीन स्क्रीन को पकड़ के इसके नीचे ड्रा करें और टाइमलाइन को जूम करें। यहाँ से पिक्चर को इस साइज़ के बराबर करते हैं ग्रीन स्क्रीन के। तो इसके बाद आप लोगों ने इस ग्रीन स्क्रीन पे क्लिक करना है और यहाँ से ग्रीन स्क्रीन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से करना नहीं चाहते तो आप लोग यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन टाइमलाइन जो है, यहाँ पे राइट क्लिक करके ग्रीन स्क्रीन पे क्लिक करें और ये वाला ऑप्शन ऑन करें, मेक पार्ट्स ऑफ द क्लिप ट्रांसपेरेंट्स पे क्लिक करके ओके करें। ओके करने से आपका ग्रीन एरिया जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो मशहूर इसके होने बाद का शौक नहीं है, लेकिन क्या करें, लोग नाम से ही पहचान लेते हैं। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ से ओवरले करना चाहते हैं तो आप लोग ओवरले भी मशहूर होने का शौक नहीं है, लेकिन क्या करें, लोग नाम से ही पहचान लेते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ओवरले हैं, आप जो भी लगाना चाहते हैं आप लोग वही लगा सकते हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड के भी कुछ हैं, रिकॉर्ड टाइप के, अगर आप ये लगाना चाहते हैं या जो भी आप की मर्ज़ी हो वो आप यहाँ से यहाँ पे टाइमलाइन पे ड्रा कर सकते हैं और इसकी साइज़ को बड़ा करें। फिर इसके बाद जो है मशहूर होने का शौक नहीं है, लेकिन क्या करें, लोग नाम से ही पहचान लेते हैं। अगर आपने कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना हो तो आप लोग यहाँ से टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रा कर दिया मैंने। इसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ से एडिट कर सकते हैं, जो भी नाम आप देना चाहते हैं। इसका साइज़ थोड़ा कम करें और स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल। तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, जो भी आप कलर लगाना चाहते हैं, ब्लैक हो, रेड हो, ग्रीन, येलो, जो भी हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद एनिमेशन भी आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ से मैं टेक्स्ट एनिमेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट, और इसके बाद एडवांस पे भी आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पे टू कलर्स दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये रेड और ग्रीन, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप लोग यहाँ से इफ़ेक्ट्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आप जो भी लगाना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं। अगर आप लोग इमेज करते हैं तो यहाँ से आपने इमेज कर देना है, एक इमेज ओपन करके लिखाई के ऊपर इमेज भी लगा सकते हैं अगर आप लोग लगाना चाहते हैं। इसके बाद आप लोगों ने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से भी ओके कर देना है, इसे थोड़ा ऊपर ले जाएं।
यहाँ तक। इसके बाद आप लोगों ने ओके का बटन प्रेस करना है। ओके का बटन प्रेस करने के बाद आप लोग का साइज़ बढ़ाना है। अगर आप लोग पीएनजी इमेज लगाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करें, इंपोर्ट मीडिया फाइल, और यहाँ से जहाँ पे भी आप लोगों के पास पीएनजी पिक्चर जो है वो सेव हो तो आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। पीएनजी पिक्चर जो है वो ओपन कर लिया और आप लोग यहाँ से पकड़ के टाइमलाइन पर ड्रा करें। ड्रा करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से इसका साइज़ छोटा करना है। साइज़ छोटा करने के बाद आप लोगों ने जहाँ पे भी ये सेव करना हो यानी लगाना हो आप लोग यहाँ वहाँ पे लगा सकते हैं। जहाँ तक आप लोग इसका साइज़ लगाना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर आप लोगों ने एक्सपोर्ट करना हो तो यहाँ से आप लोग एक्सपोर्ट पे क्लिक करें और यहाँ से नाम दे दें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ व्हाट्सएप स्टेटस। इसके बाद आप लोगों ने फोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पे भी आप लोगों ने सेव करना, तो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप लोगों ने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। तो जितना वीडियो का साइज़ है, जितना वीडियो का टाइम है, उतना ही टाइम ये भी ले सकता है। तो दोस्तों हमारा टारगेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, फाइंड टारगेट। इसके बाद ये रहा हमारा स्टेटस जो हमने अभी बनाया, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। मशहूर होने का शौक नहीं है, लेकिन क्या करें, लोग नाम से ही पहचान लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक जल्दी पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।